हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधुस होम द स्टूडेंट। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट जलेबी, गुड़ की इंस्टेंट जलेबी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे 15 मिनट में आसानी से अपने घर में बना के इसका स्वाद का आनंद ले सकते हैं। तो आइए हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए मैंने लिया है एक भगोना, इसमें मैंने डाला है 2 कप पानी। अब मैं इसमें डालूंगी गुड़। पहले मैं गुड़ की चाशनी तैयार करूंगी, उसके बाद जलेबी का बैटर बनाऊंगी। मैंने करीब 250 ग्राम गुड़ लिया है, इसे मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे कि हमारी चाशनी जल्दी बन जाए। अब मैं इसे चलाते हुए चाशनी तैयार करूंगी। पहले हम इसे तेज आंच पर चलाते हुए एक अच्छी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। हमें चाशनी ना ही ज़्यादा गाढ़ी करनी है ना ही ज़्यादा पतली रखनी है, बस एक चिपचिपी सी गुड़ की चाशनी हमें बनानी है। ये देखिए हमारी है गुड़ की चाशनी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए चाशनी मैंने ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई है, हल्का सा चिपचिपी गुड़ की चाशनी हमें बनानी है। अब मैं गैस को बंद करूँगी और चाशनी को एक तरफ रख दूँगी। अब मैं अपनी जलेबी के लिए बैटर तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और उसके साथ ही मैंने लिया है 1/2 कप दही। ये दही खट्टी दही है, खट्टी दही होगी तभी हमारी जलेबी में खमीर आएगी। ये लगभग 5 से 6 चम्मच दही है और मैंने इसमें लिया है 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा मैंने लेना है क्योंकि हमें इंस्टेंट जलेबी तुरंत बनानी है तो हमें बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। तो मैंने लिया है 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और मैं इसमें 2 पिंच जलेबी का जो हलवाई डालते हैं ना कलर, ऑरेंज कलर, वो मैंने लिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप ले, वरना आप हल्की सी हल्दी भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें कलर लिया। मैं इसे अच्छी तरह करूँगी, इसे मिक्स अच्छी तरह मिक्स कर लिया। लेकिन ये अभी हमारा बैटर गाढ़ा है तो हम इसमें हल्का हल्का पानी देके सॉफ्ट सा बैटर बनाएंगे। कि ये हमारी जलेबी का बैटर बनके रेडी हो चुका है। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होगा। अब हम इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे और फिर हम इसकी जलेबी बनाएंगे। हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है जलेबी बनाने के लिए। मेरे पास एक पाइपिंग बैग है, मैं इसमें अभी जलेबी बनाऊंगी। आप चाहे तो दूध के पैकेट में या फिर आपके पास अगर जलेबी मेकर हो तो उससे भी आप जलेबियाँ बना सकते हैं। मेरे पास ये कोन है तो मैं इसमें अपने जलेबी का बैटर को भरूंगी और इससे मैं अपनी जलेबी बनाऊंगी। देखिए मैंने कोन में बैटर को भर के रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अपने ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली एक छोटा सा इसके होल को काटेंगे और हम अपनी जलेबियाँ तलेंगे। देखिए मैंने अपनी जलेबियों को तलने के लिए पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल हमें अधिक गरम नहीं करना है, इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें गरम करना है। अब मैं इसमें अपने जलेबी के बैटर को डालूंगी। इसे मैं गोल गोल बनाते हुए डालना है। आप अपने मनपसंद साइज का बड़ी या छोटी जैसी चाहे जलेबियाँ बना सकती हैं। आंच को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रख कर तलना है तो हमें जलेबियाँ अच्छी फुली फुली और कुरकुरी बनेगी। एक तरफ से अच्छी तरह जब ये सीख जाए तब हम इसे हल्का सा पलट देंगे। दोनों तरफ से इसे हल्का ब्राउन होने तक हमें देखना है। ये देखिए ये हमारी जलेबियाँ बन के रेडी हो गई। अब मैं इसे एक एक कर निकाल के सारे जलेबियों को चाशनी में डालूंगी और हम इसे धीरे धीरे चाशनी में डिप करेंगे। 5 मिनट बाद मैं इसे निकाल लूंगी, तब तक मैं दूसरा बैच जलेबी का डालूंगी। वापस हम इसे मनपसंद साइज में बड़ी या छोटी कैसी भी बना सकते हैं।
हमें जलेबियों को ज़्यादा तेज आंच पर नहीं तलना है, हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही जलेबियों को तलना है। ज़्यादा तेज आंच पर तलने से हमारी जलेबियाँ जल जाएंगी और ऊपर से और अंदर से अच्छी तरह कुरकुरी नहीं बनेंगी। हल्का से एक तरफ से सीख जाने के बाद हमें अपनी जलेबियों को पलट देना है और आंच को लो कर देना है। ये देखिए मैंने अपनी सारी जलेबियों को बनाकर रेडी कर लिया है। ये एकदम स्वादिष्ट कुरकुरी और एकदम बिल्कुल रसीली, देखिए कितनी सुंदर है हमारी जलेबियाँ, बहुत ही रस से भरी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे जब भी मन करे खाने को इंस्टेंट बना के खा सकती हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट में आप अपनी जलेबियों को बना कर रेडी कर सकती हैं। आप अपने घर में एक बार इसे बना कर जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।